Class 5th Math Annual Examination Practice Worksheet. Hi guys, I am Neetu Nigam and welcome to my channel, My Parsala by Neetu Nigam. आज मैं आपके लिए Class 5th Math के Annual Examinations के तहत Practice Worksheet लेकर आई हूँ, जिसमें से बच्चों को आप Practice करवा सकते हैं. इससे पहले मैंने Class 5th के Computer की Practice Worksheet आपके साथ शेयर की है. अगर आपने उसे नहीं देखा है तो एक बार अवश्य देखें. चलिए क्वेश्चन देखते हैं. राइट इन वर्ड यूनिट 10, 100, 1000, 10,000, lakh, 10 lakh, 72,43,156. इस हमें वर्ड में लिखना है. ये सॉल्व करने के बाद आप यहाँ से आंसर देख सकते हैं. चलिए ये आंसर मैंने लिख रखा है, तो यहाँ से हम आंसर भी आपको बताते चलते हैं. ये इस प्रकार आपका लिखाएगा. नेक्स्ट मेजरमेंट इन राइट एंगल इज, राइट एंगल हम किस मेजरमेंट करते हैं, दिस इज 90 डिग्री. राइट एंगल जो मेजरमेंट किया जाता है वो 90 डिग्री का होता है. तो चलिए ये हमारा हो गया 90 डिग्री. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, कंप्लीट द पैटर्न ए ए बी ए बी सी. ये जो पैटर्न जा रहे हैं उसको हमें नेक्स्ट 3 स्टेप पैटर्न्स में लिखना है. ये हमारा हो जाता है ए ए बी ए बी सी. एक एक लेटर हमारा बढ़ता जा रहा है. इसी प्रकार हो जाएगा ए बी सी डी, ए बी सी डी ई, ए बी सी डी ई एफ. इस प्रकार ये हो जाएगा. नेक्स्ट नंबर 4, 1 किलोग्राम इक्वल टू हाउ मेनी ग्राम्स. 1 किलोग्राम कितने ग्राम के बराबर होता है, तो 1 किलोग्राम 1000 ग्राम के बराबर होता है. तो यहाँ पर हम ले लेंगे 1000 ग्राम. करेक्ट आंसर इज 1000 ग्राम. 1 दर्जन बनानास, 1 दर्जन बनानास में कितने बनानास होते हैं, तो 12 बनानास होते हैं. तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 12 बनानास. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है. चलिए इसको हम लिख लेते हैं. एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू होता है लेंथ इनटू ब्रेथ. एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेथ. क्वेश्चन नंबर 7, हाउ मेनी जीरोस आर देयर इन 1 करोड़. 1 करोड़ में कितने जीरो होते हैं, तो 1 करोड़ में 7 जीरो होते हैं, लाइक दिस. नेक्स्ट है, इसको हम एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखा हुआ है, इसको शॉर्ट फॉर्म में हमें लिखना है. तो ये हमारा शॉर्ट फॉर्म में इस प्रकार लिखाएगा. नेक्स्ट नंबर, द स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर इज, स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर इज, टोटल 1 के बाद उतने जीरो हम बैठाते हैं कि जितने टोटल 6 डिजिट आ जाए. तो ये आंसर इसका ये हो गया. नेक्स्ट, कंपेयर द गिवन नंबर एट पुट और. तो यहाँ पे गिवन नंबर क्या हो गया आपका, दिस इज. इसको हम सॉल्व करने के लिए इस प्रकार देख सकते हैं. ये हमारा 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 डिजिट है और यहाँ पे 7 डिजिट है. तो 7 डिजिट नंबर है हमारा, ज्यादा हो रहा है. इस प्रकार आप इसको कर सकते हैं. ड्रॉ द एंगल्स ऑफ, एंगल हमें ड्रॉ करना है. इसे बच्चे आप खुद करेंगे. 45 डिग्री का एंगल हमें ड्रॉ करना है एंड 110 डिग्री का एंगल हमें ड्रॉ करना है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, राइट द मल्टीपल ऑफ 9. 9 का मल्टीपल्स आपका क्या हो जाएगा, तो दिस इज 9, 8. 9 का टेबल जस्ट लाइक आप टेबल पढ़ सकते हो, 9, 18, 27 and 36. राइट द 9 इवन नंबर बिटवीन 2 and 7. 2 and 7 के बीच में इवन नंबर कितने हो रहे हैं. 2 and 22 के बीच में इवन नंबर हमारे कितने हो रहे हैं, ये हमें यहाँ पर लिखना है. तो इवन नंबर वो होता है जो कि 2 से पूरा पूरा जो नंबर डिवाइड हो जाए वो हमारा इवन नंबर होता है. तो 2 से 22 के बीच में इतने इवन नंबर्स हो रहे हैं. नेक्स्ट, टेल द फॉर्मूला टू फाइंड द पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल. पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल्स का फॉर्मूला होता है 2 into लेंथ एंड ब्रेथ, लेंथ प्लस ब्रेथ.
पी इज इक्वल टू टू लेंथ प्लस विड्थ। पी हमारा रिप्रेजेंट पैरामीटर्स को हो रहा है, एल रिप्रेजेंट लेंथ एंड डब्ल्यू रिप्रेजेंट विड्थ। ड्रॉ द रेक्टेंगल ऑफ लेंथ 9 सेंटीमीटर एंड विड्थ 6 सेंटीमीटर। इसको हम इस प्रकार कर सकते हैं, 9 सेंटीमीटर है यहाँ पर, आप यहाँ पर ये 9 सेंटीमीटर एंड देन दिस इज 6 सेंटीमीटर। ये हमारा रेक्टेंगल ड्रॉ होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 पैसा इज व्हाट, 1 पैसे में कितने रुपीस होते हैं। तो 1 पैसे इज करू 0.11 रुपीस। क्वेश्चन नंबर 2 अंडरस्टैंडिंग से रिलेटेड है। हाफ मीन्स हाफ फुल हाफ। नंबर 2, ऑल द साइड्स आर इक्वल इन रेक्टेंगल या स्क्वायर। स्क्वायर। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि हमारे चैनल पर आपको क्लास फर्स्ट से 8th तक के एनुअल एग्जामिनेशन के सब्जेक्ट वाइज आपको प्रैक्टिस सेट मिल जाएगी। अगर आप इस ग्रुप में आते हैं तो एक बार हमारे चैनल की प्लेलिस्ट अवश्य चेक करें और उसे देखें। साथ ही मैं आपको यह भी बताना चाहूंगी कि कंप्यूटर प्रैक्टिकल में किस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में बच्चों से पूछे जाते हैं, उससे रिलेटेड वीडियो भी आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगे, एक बार अवश्य विजिट करें। थैंक यू। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है मेजर द एंगल ऑफ राइट। ये कितने डिग्री का एंगल्स है, तो ये दिस इज 90 डिग्री ट्रायंगल है एंड 90 डिग्री का है एंगल। कंप्लीट द गिवन पैटर्न्स 100A 90B 80C। तो इस प्रकार 100 हमारा 10 माइनस हो रहा है, तो 100 90 80 70 60 50। इसी प्रकार अल्फाबेट्स हमारा इंक्रीज हो रहा है, बढ़ जा रहा है, एक एक लेटर ए बी सी डी, यहाँ पर ये हो जाएगा ई एंड नेक्स्ट 50 F। प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। नेक्स्ट ये पैटर्न है, इस पैटर्न में क्या होगा देखिए, ट्रायंगल स्क्वायर ट्रायंगल स्क्वायर, तो इस प्रकार का ये फॉर्मेट चल रहा है। तो नेक्स्ट यहाँ पर फिर वापस ये हो जाएगा ट्रायंगल और नेक्स्ट यहाँ देन हो जाएगा स्क्वायर, तो इस बॉक्स में यहाँ पर स्क्वायर हो जाएगा। इस प्रकार ये पैटर्न इसके कंप्लीट हो जाएंगे, ट्रायंगल स्क्वायर ट्रायंगल स्क्वायर ट्रायंगल एंड स्क्वायर। इफ मेजरमेंट ऑफ राइट एंगल इज 90, तो देन हाफ राइट एंगल इज, अगर 90 डिग्री का एंगल है, 90 डिग्री का राइट एंगल है, राइट एंगल 90 डिग्री के ही होते हैं, तो इसका हाफ हो जाएगा 90 डिवाइडेड बाई 2। तो हम 90 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा ये हो जाएगा 45। एंड डबल ऑफ राइट एंगल इज 90 प्लस 90 इज इक्वल टू 180 डिग्री। दिस इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ड्रॉ अ सिमेट्री लाइन थ्रू दिस फिगर। इसे हमने ड्रॉ कर रखा है। सिमेट्री लाइन उसे कहते हैं जिससे कोई भी शेप बराबर बराबर हिस्से में डिवाइड हो जाए। तो इस तरह हमने सिमेट्री लाइन लगाई है, इस तरह ये डिवाइड हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, कैलकुलेट द हाउ मेनी पेंसिल्स कैन बी परचेज फ्रॉम 20 रुपीज इफ वन पेंसिल कॉस्ट ऑफ 2 रुपीज। अगर 2 रुपीज में एक पेंसिल आ रहे हैं तो 20 रुपीज में क्या होगा, तो 20 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 10 पेंसिल। ये हमें 10 पेंसिल्स मिलेंगे। नेक्स्ट, इफ द स्पीड ऑफ लॉग बोट 4 किलोमीटर पर आवर, तो हाउ फार इट विल गो इन 3 आवर्स। अगर 1 आवर्स में हम 4 किलोमीटर चल पाते हैं तो देन 3 आवर्स में हमारा हो जाएगा 4 × 3 इक्वल टू 12 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ हम बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड आउट ऑफ एरिया ऑफ स्क्वायर विथ 4 साइड सेंटीमीटर। एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर। ए स्क्वायर हमारा फॉर्मूला होता है, तो यहाँ पर ए की वैल्यू है, ए की वैल्यू हमारी 4 सेंटीमीटर दी गई है, तो 4 × 4 = 16 सेंटीमीटर। दिस इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, फाइंड आउट द पैरिमीटर ऑफ रेक्टेंगल इफ द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज 6 सेंटीमीटर एंड विड्थ इज 4 सेंटीमीटर।
पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू हो जाता है 2 इंटू लेंथ प्लस विड्थ। तो इसको हम डिवाइड करते हैं, 2 इंटू हमारा हो गया लेंथ है 6 सेंटीमीटर प्लस विड्थ हमारा 4 सेंटीमीटर है। देन स्टेप हो गया, जब कोई भी सिंबल नहीं दिया गया है तो इसका मतलब होता है मल्टीपल 4 प्लस 6 इक्वल टू 10 सेंटीमीटर इक्वल टू 20। ये आंसर हो गया 20 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, फाइंड आउट ऑफ 2 3 बाई 4। तो यहाँ पर हो जाता है 200 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 4 इक्वल टू 4 5 20। 4 को हम 200 से डिवाइड करेंगे तो 50 आ जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा 50 इंटू 3 इक्वल टू 150 सेंटी 150। नेक्स्ट, कंप्लीट द टेबल ऑफ टेलीमार्क्स। ये टेलीमार्क्स हमें कंप्लीट करना है। ये क्या हो रहे हैं, 5 के 1 बन रहे हैं, 1 2 3 4 5 1 2 3। देखिए ये 5 कौन से हो रहे हैं, इस तरह ये टेलीमार्क्स में 5 हो रहे हैं। जैसे हो गया 1 2 3 4 और ये हो गया 5। तो इस प्रकार 5 है और एक बॉक्स 5 कैरी कर रहा है। तो 5 5 10 15 20 25। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा 25। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, ऑल कितने टेलीमार्क्स लगाएंगे इसमें, तो 5 15 15 20 21। तो यहाँ पर हो गया 21 टेलीमार्क्स प्रेजेंट। कितने टेलीमार्क्स होंगे इसके, हो जाएंगे 5 एंड 5 10। नेक्स्ट पैरोट के 5 एंड 5 10 एंड किंगफिशर के भी हमारे हो रहे हैं 5 एंड 5 10। तो ये थे टेलीमार्क्स के क्वेश्चन। आई होप ये क्वेश्चंस आपको समझ में आ गए होंगे। प्लीज हमारे चैनल पर बने रहें। इसी प्रकार के एजुकेशनल वीडियो के लिए आप हमें सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। तो आज के लिए इतना ही।